हेलो फ्रेंड्स, आज मुंबई में सिक्स डे ब्लॉक सिक्स और आज अपन जा रहे लाए पानीच में जाएगा। आज हम आपको लेके चलेंगे समुद्र के पार। दोस्तों, आज हम फिर चर्च गेट आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स में। फाइनली दोस्तों, अब हम नाव में सवार हो चुके हैं और अब जाएंगे एलिफेंटा केव्स में। फाइनली दोस्तों, अब हम एलिफेंटा पहुंच चुके हैं और नाव से उतर चुके हैं। दोस्तों, अभी हमने ट्रेन की टिकट ली है। ये आप ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक पे ट्रेन आएगी और इस ट्रेन पर बैठकर हम जाएंगे एलिफेंटा केव्स की तरफ। ये देखिए एलिफेंटा केव्स का नजारा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस ट्रैक को। अभी इसमें राजधानी एक्सप्रेस आएगी, देखो राजधानी एक्सप्रेस करके आ रही है। दोस्तों, अब राजधानी एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं, अभी मुंबई से दिल्ली के लिए जाएंगे। खाना
चालता ट्रेन मध्ये चढ़ू और उतरू का अचानक वाला धोखा है। दोस्तों ये है वो राजधानी एक्सप्रेस जिस पर हम आए थे। ठीक है, बहुत शान जगह है, मजे से घूमो। ये देखो हमारे अभिषेक भाई मंकी को खिला रहे हैं। तो हम एलिफेंटा केव्स में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। ये समुंदर के बीच में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर एक अलग ही दुनिया सी बसी, अलग शहर सा बसा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं शॉप्स किस तरह से, कपड़े की दुकान भी है, आर्टिफिशियल है, आइसक्रीम है, यहाँ पर हर वो चीज़ अवेलेबल है जो हमारे शहर में होती है। ये एक अलग छोटी सी सिटी है एक तरह से। ये देखिए, यहाँ किसी को कुर्ती लेनी हो वो भी ले सकता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव्स की तरफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बस एक नू एक ही दे दो, और भी है के वो बस एक ही। दोस्तों जो ये रास्ता है ये कैनन हिल की तरफ जाता है। रास्ते में बंदर ज्यादा थे इसलिए हमने मोबाइल नहीं लिया। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कैनन हिल की तरफ, वहां पर तोफ लिखा है 500 मीटर और ये रास्ता बहुत थोड़ा सा टफ सा है। टफ इसलिए नहीं कि रास्ता खराब है, टफ इसलिए क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा रिस्क भी है कि हाथ से मोबाइल छीन कर ना ले जाए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके रिकॉर्ड करने का और आप लोगों को दिखाने का। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। तो अब हम चल रहे हैं कैनन हिल की तरफ और बस 500 मीटर दूरी पर तोफ नज़र आएगी। यहाँ पर तोफ बोलते हैं, एक्चुअल में अपने वहाँ तोप बोलते हैं। अब देखते हैं कैसी होती है तोफ। चलिए बंदरों से बचते हुए मोबाइल को बचाते हुए। दरअसल बहुत मजा आ रहा है जाने में। दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे एक साइन बोर्ड दिखाया था जिस पर लिखा था कि कैनन हिल सिर्फ 500 मीटर दूर है। बहुत बड़ा झूठ है भैया, पैर थक गए, बहुत दूर है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हम इस वक्त खड़े हैं कैनन हिल पर और वहाँ से ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार व्यू है इस। हम पहुंच चुके हैं कैनन हिल पर और जहां मैं आपसे जिक्र कर रहा था तोप का, और आप सामने देख सकते हैं ये तोप, और उस तरफ कुछ नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको वहां करीब लेकर चलता हूं और दिखाता हूं। चलिए इस तोप के हम नीचे एक रास्ता है वहां चलते देखते। इस तोप के आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये व्यू है। और इसके नीचे देखिए सुरंग, ये देखो फौजी अंदर जा रहे हैं। चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। और देखिए यहाँ डांस का प्रोग्राम चल रहा है।
आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त हम कैनन हिल के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही शानदार व्यू। दोस्तों बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, आज सोमवार है और एलिफेंटा केव्स आज बंद रहती है। एलिफेंटा केव्स क्लोज्ड ऑन मंडे। शिट। तो हमने बहुत सारे किले ले लिए हैं बंदरों को खिलाने के लिए, अभी देखते हैं। और अब हमें खिलाने पर थप्पड़ मत मार देना भाई, थप्पड़ नहीं मारना। ये ले, और कोई है? आजा। आप इधर मत आओ ना, दूस तरफ रहो, आप इधर मत आओ, फिर वीडियो सही नहीं आएगी आपकी। अरे उधर भी बैठे ना। ये ले, उसको दे, उसको उसको छोटो उसको दे। हाँ, भगाना नहीं है, खिलाना उसको। ये ले, इस बंदर का मन नहीं है, देखो तो लीजिए, इसकी नजर मेरे सारे केलों पर है। ले ले, छोटे तू भी ले, लेना भी है देखो यार। अब देखो अभिषेक भाई बंदर को, तेरे पीछे देख, तेरे पीछे देख। हम एलिफेंटा केव से वापसी की और अभी हम फिर वेट करेंगे राजधानी एक्सप्रेस मिनी ट्रेन। आगे बैठने को हो गया फाइनली दोस्तों, पर राजधानी एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं। थोड़ी देर में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएंगे शायद। हम जा रहे हैं अपनी नाव की तरफ और उसके बाद फिर हम जाएंगे वहीं मुंबई सड़क पर। तो फिर हम बैठ चुके हैं नाव के अंदर, थोड़ी देर में हम रवाना होंगे मुंबई गेट ऑफ इंडिया के लिए। दोस्तों आज मेरे साथ में है एंजेलिना के फुटबॉल प्लेयर, ये आज मुंबई में आए हुए हैं और एलिफेंटा केव्स हमारे साथ में गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में आए हुए हैं। उनका बेटा बहुत अच्छा अच्छा सो क्यूट के पास में। और आप देख सकते हैं कि समुद्र का जो नज़ारा है शाम को, बहुत ही शानदार नज़ारा है समुद्र का। आप सूरज की लाली देखते हैं और आप जल्दी पहुंचने वाले होटल ताज की तरफ। आपको जूम करके दिखा रहा हूं होटल ताज, होटल ताज के सामने है ओबराय। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप कभी भी अगर मुंबई आते हैं तो एलिफेंटा केव्स की तरफ जरूर जाएं।
देखो नाव आप सामने देख रहे हैं पार्किंग पे लगा दिया, शाम का टाइम हो चुका है और ये गाड़ियों को पार्किंग लगाया जाता है उसी तरह नाव को भी पार्किंग पे लगा दिया गया। देखो दोस्तों चंद मिनटों में हम पानी से ज़मीन पर आ जाएंगे। अब हमारी नाव को पार्किंग में लगाया जा रहा है, उसके बाद फाइनली दोस्तों अब हम नाव से उतर कर पानी से अब जमीन पर आ चुके हैं। ये देखो ये बैठा अभिषेक जलंधरा। हेलो, कुछ कहना चाहेंगे आप वैन में बैठकर? आज का दिन बहुत ही शानदार रहा और हमें पता नहीं था कि आज मंडे की वजह से एलिफेंटा केज बंद रहेगी और सोमवार के दिन बंद रहती है, तो हम अभिषेक की परेड कराने के लिए उसको हो सकता है ना आए, क्योंकि उस दिन आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपका किराया लगेगा और कुछ नहीं होगा उसमें। तो अभिषेक भाई को पीछे इसलिए बिठा दिया क्योंकि ये जिद कर रहे थे कि वैन मैं चलाऊंगा और इसको हमने पीछे सरका दिया। गेटवे ऑफ इंडिया से निकल चुके हैं चर्चगेट स्टेशन के लिए और हम वैन में बैठ चुके हैं, वैन मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। भाई साहब तो मेरे साथ ऐसे ही बैठे हैं, स्टीयरिंग ऐसे ही घुमा रहे, चला मैं रहा हूँ और चेहरे पे अंधेरा है, अभी थोड़ी देर में लाइट हो जाएगी, देख सकते हैं। हमारे अभिषेक भाई पीछे बैठे हैं, मैंने डिक्की से पढ़ा रखे हैं, इनको हमने पीछे ठिकाने में लगा दिया और जैसा कि आप देख रहे हैं हम कुछ ही चंद मिनटों बाद चर्च गेट स्टेशन पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम जाकर अपने रूम पर व्लॉग एडिट करेंगे और टेलीकास्ट करेंगे जल्द।